समझ आया ये? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ है ना, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन। आंसर करो इसको। पर यस, बताओ कितना आंसर आया। ये कैसे दो वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब ये और ये, हाँ, क्या क्या आ रहा है के का वैल्यू, क्या क्या आ रहा है बताओ। सर 7 और 8 आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यही आंसर आएगा, 7 और 8 आएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये दो क्यों आ रहा है, एक ही आना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके माइंड में दो क्वेश्चन हो, पर पहले हम तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x² माइनस kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा ना। इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं। अब इनका एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन तो अप्लाई याद करो, b² इक्वल टू ac लगाना है। तो बाय द वे ये b क्या हो जाएगा, इसको बंद करने के बाद ये जो 6 6 1 2 1 2 ये b² इज इक्वल टू a। ये कितना आएगा, इसको बंद करने के बाद ये जो सब डिटरमिनेंट मिलेगा, जो डिटरमिनेंट मिलेगा -5 -k 6 6 a, और c कितना हो जाएगा इसको बंद करने के बाद, इसका कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट 1 2 -5 -k। देखो क्या इतनी बात समझ आई, क्या यही होगा। देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 12 माइनस 6, तो 6 6² इज इक्वल टू, ये देखो कितना, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया -30 और ये प्लस 6k आ रहा है, -30 प्लस 6k, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया -k और ये +10, -k + 10 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें 6 से डिवाइड कर दो तो 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 6 से डिवीजन हो सकता है, k - 5 आ जाएगा, k - 5 और -k + 10। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, -k² और +5k + 10k, तो +15k एंड -50 आ जाएगा ये। इसको इधर ले आओ, तो x² सॉरी दिस इज k² -15k और ये इधर आएगा +56 इज इक्वल टू 0, और आप देख सकते हो कि इसके फैक्टर आ जाएंगे k-8 एंड k-7 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 8,7 एंड दीज आर द रूट्स, 7 और 8 दोनों ही इसके रूट हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर है? हाँ सर, ना? अब क्वेश्चन ये है कि ये 7 और 8 रूट आ रहे हैं तो दो मतलब के की वैल्यू दो क्यों आ रही है, तो इस पे भी थोड़ा वर्क कर लेते हैं कि के की दो वैल्यू क्यों आ रही है। एक ही दो वैल्यू क्यों आ रही है,
तो यहां पे देखो ध्यान से कि यदि के को मैं वेट वेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, इसके रूट क्या क्या हैं? रूट बता, x-3, x-2=0, इसके रूट्स हैं, रूट्स आर कौन कौन से, x=2,3, इस इक्वेशन के रूट 2 और 3 है। अब अच्छा मैं एक काम करता हूँ, k को 7 पुट कर देता हूँ, पहले 7 पुट करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2x²-7x+6=0, और इसके रूट क्या क्या होंगे देखो, 12, 2x²-4x-3x+6=0, नाउ टेक 2x कॉमन, तो x-2-3x-2=0, तो x-2 एंड 2x-3=0, मतलब x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 2 और 3/2। चेक दिस आउट कि और इस इक्वेशन के रूट हैं 2 और 3, और जब k का वैल्यू 7 पुट किया जा रहा है तो रूट कौन सा रूट कॉमन आ रहा है, 2 रूट, देखो दोनों में एक रूट कॉमन आ रहा है 2 7 के लिए, समझ आया? अच्छा अब यदि मैं k का वैल्यू 8 पुट कर दूं, सॉरी 8, हाँ k का वैल्यू 8 पुट कर दूं, तो ये दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 2x²-8x+6=0, इसमें से 2 हटा दीजिए, x²-4x+3=0, और इसके रूट आ जाएंगे x-3 एंड x-1=0, तो x=1 और 3। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, यदि k=8 आ रहा है तो अब कौन सा रूट कॉमन आ रहा है, ये 3, देखो दोनों में रूट कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 2 आ रहे हैं। k की 2 वैल्यू क्यों मिल रही है, क्योंकि यदि 7 होता है तो पहला रूट कॉमन हो जाएगा, और k का वैल्यू यदि 8 होता है तो दूसरा रूट कॉमन हो जाएगा, इसलिए k की 2 वैल्यू मिल रही है। क्या इतनी बात समझ है, इज दिस क्लियर? हाँ सर, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2=0 एंड 3x² +10x+q=0 हैव बोथ रूट कॉमन। आंसर कर, आंसर इट। इतनी टाइम का क्वेश्चन ही नहीं है। आया है सर आंसर। अच्छा दोनों रूट कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, कंडीशन p/3 = 5/10 = 2/q, क्या यही आएगा, देख लो ध्यान से, p/3 = 5/10 = 2/q, तो यहां से क्या मिलेगा देखो, p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यही आंसर आ रहा है, p 3/2 और q का वैल्यू 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, इफ द इक्वेशन x²-4x+5=0 एंड x²+ax+b=0 कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल हैव कॉमन रूट, हैव
कॉमन रूट्स रूट्स फाइंड ए एंड बी फाइंड ए एंड बी ए और बी बताओ कितना आंसर आएगा चलो समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को ठीक है कैसे करेंगे अब देखो यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो ये सिचुएशन है ये बोला जा रहा है कि हैव कॉमन रूट्स कितने कॉमन रूट हैं ये नहीं पता एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं है तो और फिर पूछा गया कि ए और बी का वैल्यू बताओ तो पहली बात यह है कि यदि हम एग्जैक्टली वन रूट की कंडीशन लगाते हैं तो जो कंडीशन आएगी वो ए और बी में कंडीशन आएगी और उसकी वैल्यू नहीं आएगी लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि फाइंड ए एंड बी ए और बी के बारे में तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पहले इसको ऑब्जर्व करो आप इसका डी चेक करो डी कितना आ रहा है डी बताओ कितना आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर माइनस 4 ए 1 और सी 5 आ रहा है तो ये कितना आ रहा है माइनस 4 आ रहा है ना माइनस 4 लेस देन 0 मतलब इसके रूट कैसे हैं रूट्स आर इमेजिनरी ठीक है रूट्स आर इमेजिनरी कहने का मतलब है कि यदि एक रूट है p प्लस आयोटा q तो दूसरा क्या हो गया p माइनस आयोटा q होगा क्यों क्योंकि जब इमेजिनरी रूट होते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर्स में अवेलेबल होते हैं इसमें जब भी आते हैं ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे और कॉन्जुगेट पेयर्स में क्यों आ रहे हैं क्योंकि इनके कोएफिशिएंट रियल है अब इन द सेम वे ये इक्वेशन देखो सेकेंड वन ये वाली इक्वेशन देखते हैं इसमें ये बोला जा रहा है कि ए बी कैसे हैं रियल नंबर है ए बी रियल नंबर है और वन भी रियल नंबर है तो यदि इसका कोई रूट कॉमन होगा लेट से एक रूट हो गया इसका पी प्लस आयोटा क्यू यदि ये रूट कॉमन हो गया इसका मतलब है इसका एक रूट इमेजिनरी है तो यदि एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा होगा कि नहीं होगा देखो क्या किया हम लोगों ने हमने एज्यूम किया कि इन दोनों में एक कॉमन रूट ये है p प्लस आयोटा q तो p प्लस आयोटा q यदि कॉमन रूट है तो इसका रूट है तो इसका भी आएगा मतलब इसका रूट p प्लस आयोटा q अब हमने देखा कि यदि इसके कोएफिशिएंट रियल है और एक रूट इमेजिनरी आ रहा है तो दूसरा भी आएगा और वो दूसरा कैसे होगा क्या वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स में आते हैं तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा p माइनस आयोटा q मतलब इसके रूट इस वाली इक्वेशन के रूट तो ये p प्लस आयोटा क्यू p माइनस आयोटा क्यू थे ही इसके भी रूट क्या है p प्लस आयोटा क्यू एंड p माइनस आयोटा क्यू मतलब दोनों के रूट दोनों के दोनों कैसे हैं सेम रूट है मतलब बोथ रूट कॉमन की कंडीशन लगेगी तो बोथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन a इज इक्वल टू 5 अपॉन b मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 4 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा बी यहाँ पे पुट कर देते बी फाइव आ गया तो ये आंसर हो गया ए इज माइनस फोर एंड बी इज इक्वल टू फाइव क्या इतनी बात समझ आई एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व इट इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ब्रैकेट में ए नॉट इक्वल टू जीरो, आंसर इट। देखो करेंगे एक ही मिनट सर। हाँ ओके चलो बताते हैं कैसे करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट समझो है ना। कंसेप्ट क्या है, इफ वन रूट ऑफ दिस इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, तो लेट्स से मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो और ये दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन। तो क्या बोला जा रहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस इज डबल द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, लेट्स से इसके रूट में अल्फा एंड बीटा बना देता हूं, तो ये बोला जा रहा है कि इसका एक रूट डबल होगा किसी एक का, तो लेट से वो एक रूट टू अल्फा है। अब देखो यहाँ पे अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पे देखो टू अल्फा इसका रूट है तो टू अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, तो कितना हो जाएगा फोर अल्फा स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 3 ए इक्वल टू जीरो, थिंक अबाउट इट, क्या इतनी बात समझ आए, क्लियर है? अल्फा के फॉर्मेट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो ये पहले ही जैसी इक्वेशन हो गई कि एग्जैक्टली वन रूट कॉमन की कंडीशन, देखो अल्फा के टर्म्स में अल्फा कॉमन रूट, अल्फा एक कॉमन रूट हो गया किसका बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए इक्वल टू जीरो, इसमें अल्फा कॉमन रूट हो गया। अच्छा कॉमन रूट है तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी अप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा बताओ, अप्लाई कर दीजिए इसमें बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये बंद करेंगे तो ये ए थ्री ए वन फोर इसका इसका इज इक्वल टू ए, ए कितना है इसको बंद करना है माइनस वन माइनस टू ए थ्री ए, ये ए हो गया, और सी मतलब कांस्टेंट वाले को बंद करना है वन फोर माइनस वन माइनस टू इंटू वन फोर माइनस वन माइनस टू, वन फोर माइनस वन माइनस टू, इस तरह का आ गया। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4a माइनस 3a, 4a माइनस 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस 3a प्लस 2a, माइनस 3a प्लस 2a, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस 2 और प्लस 4, प्लस 4 आ गया ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a माइनस ए और यहाँ पे इंटू टू, थिंक अबाउट इट, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आप देख लीजिए यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू जीरो एंड माइनस टू। अब यहाँ पे शुरुआत में देखो ए का वैल्यू कि जीरो नहीं है, ये बोला गया ना, देखो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब a जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं हो सकता, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस टू, और यही आंसर है, क्या इतनी बात समझ आई, देखो कैसे किया, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आद्या सर? हाँ सर। सुमान अवनी रेवती समझ आए? क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन हो जाए क्या, एक और क्वेश्चन कर ले, है ना? नेक्स्ट राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन लिखो, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, have
कॉमन रूट एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो जीरो रियल नंबर